2017 में टेस्ट मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद अब टीम इंडिया को साल 2018 की पहली सीरीज दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलनी है। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 5 जनवरी 2018 से होना है। टीम इंडिया के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरा बेहद अहम है, क्योंकि भले ही वो दुनिया की नंबर वन टीम है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत ने कभी दक्षिणी अफ्रीकी जमीन पर टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। वैसे टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर कैसे उनकी टीम दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीत सकती है। रवि शास्त्री ने कहा, दौरे पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी और साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के बीच मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों की गेंदबाजी बहुत शानदार है। हमारे गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन साउथ अफ्रीका में नतीजा बल्लेबाजों पर निर्भर करेगा। अगर हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और रनों का अंबार लगाया तो दक्षिण अफ्रीका में गजब की सीरीज देखने को मिलेगी। शास्त्री ने आगे कहा, अगले 18 महीने भारतीय क्रिकेट टीम की असल परिभाषा गढ़ेंगे। टीम इंडिया को अगले साल साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है। भारतीय टीम ने दक्षिणी अफ्रीका में कभी सीरीज नहीं जीती है, उसने कभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में इस टीम के पास मौका है कि वो वहाँ जाकर अच्छा प्रदर्शन करे। टीम इंडिया के पास अच्छे गेंदबाज हैं, साथ ही आपके पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हैं। विदेशी पिच पर 20 विकेट लेने के लिए आपको यही सब चाहिए होता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।